ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के सप्ताह का आशीर्वाद लेकर के आई हूँ। 2 अगस्त से 8 अगस्त 2021 का ये सप्ताह कैसे प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। ये राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थितियाँ बता दूँ कि कौन कौन से ग्रह अभी ट्रांजिट में कौन सी राशि से होकर के गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले जो राहु है वो वृषभ में गोचर कर रहे हैं और सूर्य बुध के साथ में कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शुक्र मंगल की स्थिति सिंह राशि में है, केतु वृश्चिक में है, शनि भी वक्र स्थिति में मकर राशि अपनी खुद की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और गुरु भी वक्र स्थिति में कुंभ की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रहों की स्थितियाँ हैं। पंचांग सप्ताह में क्या रहने वाला है, राशि जो होगी वृषभ रहेगी और तिथि कृष्ण पक्ष की नवमी रहेगी, नक्षत्र कृतिका का दूसरा चरण रहेगा और योग जो होगा वो वृद्धि रहेगा, करण गर रहेगा। ये पंचांग की स्थितियाँ हैं। ये ग्रह नक्षत्र और पंचांग मिलकर के कैसे आपको प्रभाव देंगे इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी और साथ में ये भी कहूंगी कि आप लोग अपने राशिफल को लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखा करिए। चंद्र राशि आप ऐसे जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है, जो आपका नेटल चार्ट है वहाँ पे चंद्रमा जहाँ लिखा है वहाँ पे जो नंबर पड़ा होगा वो आपकी चंद्र राशि है। लग्न राशि के लिए नेटल चार्ट में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहाँ पर आप देखिए, ऊपर सेंटर में एक स्क्वायर बना होगा, वहाँ पे जो नंबर पड़ा होगा वही आपकी लग्न होती है। तो दोनों से मिलाकर के देखेंगे तो परिणाम आपको काफी करीब तक पता चल पाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय को देख समझ परख करके ही करिएगा। टाइम पीरियड बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, मेंटली अपने आप को लो फील कर सकते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा थोड़ा सा रुक करके, कहीं पेपर पे साइन करना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई मीटिंग करनी है, उन सारी चीज़ों के लिए टाइम पीरियड अच्छा नहीं रहेगा, उतना सपोर्टिंग नहीं रहेगा। मेंटली आप थोड़ा सा अपने आप को लो फील करेंगे, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय को टालने का प्रयास करिएगा। मध्य पीरियड जो आपके लिए रहेगा वो पिता के साथ में संबंधों का जरूर ध्यान रखिएगा। पिता के साथ में वैचारिक मतभेद होने की स्थितियाँ निर्मित होंगी, लेकिन ये जरूर है कि कुछ यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए कोई धार्मिक यात्राएं हो या एजुकेशन से जुड़ करके इस तरह की चीज़ें आपके साथ में होंगी। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में आपको एक प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, उन लोगों का सपोर्ट मिलेगा, उन लोगों के द्वारा लाभ की स्थितियाँ निर्मित रहेंगी, इस तरह के इवेंट्स आपके साथ में होंगे। वीकेंड जो होगा वो आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, हर एक तरह से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे और कोई प्रमोशन के चांसेस या कहीं से पैसों से संबंधित जो इंक्रीमेंट वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन तुला वालों को एक चीज़ का ध्यान रखना रहेगा कि जो आपकी मदर हैं, मदर के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। जितने भी तुला लग्न राशि वाले लोग हैं, आप अपने विशेष रूप से माँ के स्वास्थ्य का, माँ के साथ जो संबंध है उसका ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर थोड़े नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं, हालांकि निर्भर करेगा कि आपकी कौन सी महादशा, अंतर प्रत्यंतर वगैरह है, वो सारी चीज़ें अपना प्रभाव रखेंगी। लेकिन एक टेम्परेरी जो असर पड़ सकता है माता के स्वास्थ्य का, सेहत का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफ़ी अच्छा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, उन लोगों के द्वारा धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे, सपोर्ट मिलेगा उनका। कोई वैचारिक मतभेद या अनबन रही होंगी तो आने वाले सप्ताह में सुलझने के योग बनेंगे, तालमेल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन लोगों का डेली खरीदने बेचने का बिजनेस है उन लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे, धन से संबंधित आपका फ्लो बढ़ेगा, इस तरह की स्थितियाँ रहेंगी वृश्चिक के लिए। मध्य सप्ताह जो रहेगा, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए टाइम पीरियड सपोर्टिंग नहीं है, थोड़ा सा देख करके परख करके तब आप आगे बढ़िए, क्योंकि वहाँ पे त्रुटियाँ होने के योग बन सकते हैं। इमोशनली आप अपने आप को डल फील करेंगे, लो फील करेंगे, कहीं साइन करना हो, कोई मीटिंग वगैरह हो, तो उसके लिए समय उतना अच्छा नहीं है, उसका आपको ध्यान रखना है। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए एजुकेशन पर्पज से और यात्राओं की दृष्टि से अच्छा रहेगा। धर्म, कर्म, आध्यात्म, इन क्षेत्रों में आपका रुझान रहेगा। पिता की सेहत और उनके साथ संबंध जो है उसका आपको ध्यान रखना है। उनसे वैचारिक मतभेद या डिस्प्यूट जैसी स्थितियां बन सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसके तरह जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ में, जो आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके नेबर्स हैं, क्या ऐसा फ्रेंड सर्कल आपका जो इंटरनेट के माध्यम से आपको मिलता है, उन सभी के साथ में अपने संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बच्चों के साथ जो आपका रिलेशन है उसको आप देख परख करके चलिएगा, वहाँ से आपको छिटपुट वाद विवाद जैसे योग भी
मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, वो अपनी सेहत का ध्यान रखेंगी, बच्चों से संबंधित कोई मिसकैरेज वगैरह नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, आपकी इनकम को बढ़ाने का काम जरूर करेगा, कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में पैसों की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ये एक अच्छी स्थिति है आप लोगों के लिए। फैमिली के अंदर कोई शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप प्लान कर सकते हैं। इस तरह के थॉट आपके बने हो सकते हैं इस सप्ताह में, तो आपको उनका फायदा लेना चाहिए। फिर बात करते हैं धन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है अच्छा है, कुछ यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। कुछ डिस्प्यूट वगैरह आपका पहले से चला आ रहा होगा, वहां आपको सफल होने के योग निर्मित होंगे, एक अच्छी स्थिति है। ये जरूर है कि थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य और कोर्ट के चेहरे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, लीगल इश्यूज वगैरह होती हैं, उनमें आप अपने आप को मत इन्वॉल्व करिएगा। पहले की चीज़ें आप सुलझने के योग बनेंगे, लेकिन कुछ नया मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि इस तरह की भी स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं। इसके बाद जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से अच्छा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उसके साथ में आपके संबंधों में मजबूती आएगी, उन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन आपको होने के योग बनेंगे। और साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका कार्य क्षेत्र डेली लोगों से मिलना, डेली पैसा मान का लेना देना, खरीद सेल परचेज, इस तरह के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े जुड़े हुए होंगे, उनके लिए भी लाभ के योग निर्मित होंगे। एक अच्छा शुभ संकेत है। वीकेंड जो रहेगा वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अब स्पेशली अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। आप अपने आप को थोड़ा सा अनफिट फील कर सकते हैं इमोशनली, और तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय होगा, किसी भी तरह का पेपर से रिलेटेड वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क हो, कहीं साइन करना है, कोई मीटिंग है, इस तरह के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको आप या तो आप टाल दीजिएगा, या आप बहुत ज़रूरी होगा तो बहुत देख परख करके ही करिएगा। इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए रहेंगी। फैमिली के अंदर की जो चीज़ें रहेंगी वहाँ से संबंधित कोई निर्णय होगा, उसको काफ़ी समझ करके लीजिएगा। अपनी वाणी के द्वारा कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि परिवार के अंदर की जो सुख शांति होती है वो नष्ट होने पाए। वाणी का ध्यान रखना है, ओवरऑल ये है कि आपको वाणी का ध्यान रखना है। एक ये समझने की चीज़ें हैं आपके लिए। दूसरा ये है कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में तालमेल में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ये आपके लिए शुभता वाली चीज़ है। साथ ही साथ जो धन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो पूरा टाइम पीरियड है, आपके हायर एजुकेशन से जुड़ करके कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं, कुछ यात्राएं वगैरह करना चाहते हैं, जर्नीज करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग है। तो आने वाले सप्ताह में इन चीज़ों को आप प्लान कर सकते हैं, एक अच्छी स्थिति है आपके लिए। इनकम से इनकम आय की जो स्थितियाँ होती हैं वो आपके लिए सपोर्ट देते हुए मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है वो कुल मिलाकर के औसत रहने वाला है। थोड़ा सा आप सप्ताह की शुरुआत में अपने आप को मेंटली वीक फील कर सकते हैं, कोई निर्णय लेना होगा, महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा, वहाँ आप अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे, उतना फिट नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो लोग शेयर वगैरह से जुड़ करके कार्य करते हैं, ट्रेडिंग का काफ़ी आप देख परख करके कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे लॉसेस होने के भी योग बन सकते हैं। ये एक आपके लिए प्रिकॉशन रखने वाली चीज़ है। सप्ताह का मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा जाने वाला है। कोई जर्नीज वगैरह होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का कार्य करें, किसी भी तरह का लीगल डिस्प्यूट वगैरह होगा, कुछ वाद विवाद, नेगेटिव चीज़ें जो रही होंगी पीछे, वो आपके सक्सेस की ओर कन्वर्ट होंगी, वहाँ पर लाभ के योग निर्मित होंगे। एक अच्छा संकेत है आप लोगों के लिए। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा हर एक तरह से आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ के योग निर्मित होना, पैसों की प्राप्ति होना, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका डेली लोगों से मिलजुल करके जो कार्य होता है, जैसे कोई खुदरा व्यापारी होते हैं, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छे टाइम पीरियड रहेगा। आय की स्थिति आपके लिए निर्मित होंगी। इसके अतिरिक्त जो मकर वाले लोग हैं, आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, आप अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी अलर्ट होकर के रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं आपकी वो आपके लिए तकलीफ दे सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप अपने प्लेस से बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं बाहर जाकर के कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, चाहे आप बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, सेटलमेंट होने के लिए की ओर जाना चाह रहे हैं, या कुछ भी ऐसा काम जो बाहर से जुड़ करके करना चाह रहे हैं, आप अपने जन्म स्थान से दूर वाली चीज़ों के लिए मैं बता रही हूँ, तो उसके लिए टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ एक चीज़ और भी हो सकता है, जो मकर वाले लोग हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आपका होगा जो कि फॉरेन से जुड़ करके हो, इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बनी हुई हैं। अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का तालमेल बनाते हुए आप आगे बढ़िएगा। ट्रेडिंग और पैसों से जो लेन देन वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा आपको इस सप्ताह में बहुत प्रिकॉशन के साथ आगे बढ़ना है, वहाँ पे लॉसेस होने के भी योग बनेंगे।
हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा आपको सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी। परिवार के अंदर किसी तरह का छिटपुट वाद विवाद या एक वैचारिक मतभेद, तनावपूर्ण स्थितियां, इस तरह के सर्कमटेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपने अपनी ओर से कोई भी चीज़ ऐसा मत करिएगा कि कोई वाद विवाद हो। माँ के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, बहस, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिएगा, क्योंकि ऐसे संयोग निर्मित होंगे। मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपनी लंग्स से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखिएगा, सर्दी जुकाम कफ, इस तरह की चीज़ों को आप फेस कर सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा कुंभ वालों के लिए, पैसों का जो लेन देन है, ट्रेडिंग है, व्यापार है, बिजनेस है, उन चीज़ों को आपको थोड़ा सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। वहाँ पे हल्के फुल्के आपको लॉसेज होने के योग भी बन सकते हैं, तो स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि आपका जो फ्रेंड सर्कल है और जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों के द्वारा आपको लाभ के योग मिलते रहेंगे। इसके बाद जो वीकेंड आएगा आप लोगों के लिए, वो थोड़ा सा सपोर्टिंग होगा। कोई भी वाद विवाद आपका रहा होगा पहले से, वो आपके पक्ष में उसका परिणाम जानने के योग बनेंगे। किसी से मन मुटाव, ये सारी चीज़ें होंगी, वो हल होते हुए आपको मिलेंगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ओवरऑल जो पूरा सप्ताह है कुंभ के लिए, थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में और देखते परखते हुए आगे जाने की ज़रूरत रहेगी। जो डेली का एक सपोर्ट होता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ रही है। इसके अतिरिक्त जो कुंभ वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, स्थान परिवर्तन के योग आपके बराबर बने हुए हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है। लेकिन जो लोग बाहर जाने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। बच्चों से संबंधित जो इवेंट्स हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा जो संबंध होता है, इन क्षेत्रों से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। ऐसे लोग जो कहीं बाहर जा करके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह के टूर पे जाना चाह रहे हैं, ट्रेवल्स पे, बाहर टूर, ट्रेवल्स, एजुकेशनल जो ट्रिप्स होती हैं, उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा है, वहाँ आप फायदा ले सकते हैं। विदेश जाने का जो एक योग होता है, वो आपके लिए बना हुआ है। ध्यान रखने वाली चीज़ सिर्फ एक रहेगी कि अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं, उस स्थान पर हैं, तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आपको ये करनी है, और दूसरा अपनी वाणी का प्रयोग जो है ठीक ढंग से करिएगा, क्योंकि आपकी वाणी के द्वारा परिवार का जो सुख शांति है, उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव आ सकता है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मेन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ है, काफ़ी अच्छा है। शुभता वाली स्टार्टिंग हो रही है। भाई बहनों के द्वारा, फ्रेंड सर्कल के द्वारा, नेबर्स के द्वारा, हर तरफ से आपको सपोर्ट की स्थितियाँ बनेंगी। कुछ यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाली होंगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका टूर ट्रेवल्स का बिजनेस है, सेल्स, मार्केटिंग और ऐसे क्षेत्रों से, आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, या जिनका किसी भी तरह के पेपर से रिलेटेड वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन वाला जिनका काम है, उन सभी के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। काफ़ी अच्छी शुरुआत है मेन वालों के लिए। लेकिन सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा, वहाँ आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। घर के अंदरूनी सुखों के प्रति किसी भी तरह का आप वाद विवाद नहीं करिएगा, वैचारिक मतभेद मत पैदा करिएगा। परिवार के अंदर किसी भी तरह का नेगेटिव जो वातावरण बनता है, वहाँ आप कुछ भी रिएक्ट मत करिएगा। अपनी ओर से चीज़ों को आप संभाल करके चलिएगा, क्योंकि सप्ताह मध्य पीरियड में परिवार के अंदरूनी कलह, वाद विवाद के संयोग निर्मित हो सकते हैं, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ जो आपका संबंध है, तालमेल है, उसको आप बहुत ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि उनके साथ छिटपुट विवाद भी हो सकता है। अपने स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, छोटी चीज़ें जो होती हैं, सर्दी जुकाम, फीवर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो इनके प्रति भी आपको केयरफुल होकर के रहना पड़ेगा। हालांकि सप्ताह का मध्य पीरियड जो रहेगा, कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अच्छा रहेगा। जो भी आपका जॉब, व्यवसाय, बिजनेस है, वहाँ की चीज़ें आपके सपोर्ट में रहेंगी। अंदरूनी चीज़ें परिवार की जो है, वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। वीकेंड जो रहेगा, वो आपको कुल मिलाकर के औसत जाएगा। जो भी लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं रहेंगी। तो आपको पैसों का जो लेन देन है, या आप शेयर में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो उसको आप देख परख करके करिएगा। बच्चों से संबंधित कोई निर्णय है, उसको आप काफ़ी देखते हुए फिर आप आगे बढ़िए। लेकिन यही जो समय है पूरा मेन वालों के लिए, आप लोगों के लिए जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, कहीं व्यय जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, स्थान परिवर्तन जैसे योग बने हुए हैं, कहीं आप अपने पैतृक स्थान से, या जो जहाँ पे आप रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वहाँ से कहीं दूर जाना, कुछ खर्चे होना, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट होना जो कि फॉरेन से जुड़ करके हो, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो, हॉस्पिटल के ऊपर खर्च हो, इस तरह के योग आपके बराबर बने हुए हैं। तो मेन वालों को खर्चों के प्रति थोड़ा सा सावधान होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। स्पेशली अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। जो स्थिति आप लोगों के लिए बनी हुई है, मेन लग्न राशि दोनों के लिए, हालांकि एक चीज़ और भी हो सकती है आप लोगों के साथ में,
जो पूरा समय है बच्चों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। परिवार के अंदर जो आपकी फैमिली है वहाँ पे किसी नई चीज़ का आना या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या जो घर के हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं उनमें कुछ खरीद करना, घर के अंदर कुछ अच्छी चीज़ों को लेके आना, इस तरह की संभावना आपके लिए आने वाले सप्ताह में बनी हुई है। तो ओवरऑल जो मेन वाले लोग हैं आपको सप्ताह का मध्य पीरियड थोड़ा प्रिकॉशन के साथ में निकालना है और खर्चों के प्रति और इन्वेस्टमेंट के प्रति सजग होकर के रहना है। इस तरीके से तुला से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो आने वाला सप्ताह है एक मिला जुला प्रभाव देगा। और ये राशिफल गोचर के ऊपर आधारित है तो सामान्य तरीके से लीजिएगा, बहुत ही जनरल राशिफल होता है। जो एक्चुअल स्थिति होती है आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करती है, आपके महादशांतर प्रत्यंतर क्या चल रही है वो सारी चीज़ें शेप देती हैं, लेकिन फिर भी एक टेम्परेरी आपको एक आइडिया तो लग ही जाता है कि किस तरीके से आप आने वाले सप्ताह को प्लान करें। और साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा नोटिफिकेशन बेल को, जिससे कोई भी वीडियो डालू तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।